फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद रजनी। मैं रजनी सैनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ कंफ्यूजिंग वर्ब्स। कंफ्यूजिंग वर्ब्स में हम कुछ ऐसी वर्ब्स को देखेंगे, कुछ ऐसी मेन वर्ब्स को देखेंगे जो हमें एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड करती हैं। और मोस्टली जो मैंने वर्ब्स छांटी है वो बहुत ही यूनिक वर्ब्स है, उनको हम देखेंगे। मोस्टली जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वर्ब्स के, वो मोस्टली एक या आधा क्वेश्चन तो इसमें से आ ही जाएगा, जहां तक मेरा आइडिया है। तो आप इसको ध्यान से देखें, वीडियो को एंड तक देखें, सारी वर्ब्स को अच्छे से देखें और समझें। पहला है बियर और बियर, बियर और बियर। बियर होता है पैदा करना और बियर होता है सहन करना या बर्दाश्त करना। दोनों ही स्पेलिंग सेम है, लेकिन इन दोनों की थर्ड फॉर्म में डिफरेंस है। तो हम कहां पे कंफ्यूज होते हैं? थर्ड फॉर्म में। तो थर्ड फॉर्म इसके अच्छे से ध्यान कर याद कर लेना, बेयर बोर बॉर्न, यानी पैदा करना। बेयर बोर बॉर्न मींस सहन करना या किसी चीज को, किसी बात को बर्दाश्त करना। फिर है फेल, फॉल और फेल। फॉल होता है गिरना, कोई चीज अपने आप गिर जाती है वो तो होता है फॉल, और फेल होता है किसी चीज को गिराना। फॉल तो है आई टीवी और फेल है टीवी। फॉल फेल फॉलन, अपने आप गिरना। फेल फेल फेल्ड, किसी चीज को गिराना। नेक्स्ट हैंग हैंग, हैंग हंग हंग, ये होता है किसी चीज या किसी सामान को लटकाना या टांगना। एक हैंग है, हैंग 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 मींस फांसी पर लटकाना। नेक्स्ट है हमारा ग्रिंड और ग्राउंड। ग्रिंड ग्राउंड ग्राउंड मींस पीसना। अब ग्राउंड आ जाए तो आप क्या सोचोगे कि ग्रिंड का सेकंड फॉर्म आ गया? ऐसा नहीं है, हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखना है कि इसमें यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज होती है या सेकंड फॉर्म, और उसके स्ट्रक्चर को समझ के पता करना है कि ग्रिंड के सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है या ग्राउंड के फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। ग्राउंड होता है जमीन पर लाना, किसी चीज को जमीन पर लाना। ग्राउंडेड ग्राउंडेड। नेक्स्ट फाइंड, तो फाइंड यानी पाना। फाइंड का हो जाएगा फाइंड फाउंड एंड फाउंड। जो चीज इसमें थी वही सेम इसमें है, वही आप फाउंड यानी स्थापित करना। तो आप ये मत देखना फाउंड देख के कि ये फाउंड का फाइंड का सेकंड फॉर्म है, या फिर कहीं पे आप फाउंड देख लो तो आप ये मत सोचना कि फाउंड का फर्स्ट फॉर्म है। हमें तो सेंटेंस को पढ़ना है और फिर समझना है कि यहाँ पे पाना का सेंस आ रहा है या स्थापित करना का सेंस आ रहा है। जिस चीज का सेंस आएगा वही हम है जो मेन वर्ब के फॉर्म से यूज करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाई लाई और ले। लाई, एक लाई होता है झूठ बोलना, एक होता है लेटना, और ले होता है किसी चीज को लेटाना या किसी चीज को बिछाना, और हेंस ले एग्स, ये मींस अंडे देना। तो लाई झूठ बोलना, लाई लाइड लाइट, लाई मींस लेटना, लाई ले लेन। फिर है ले मींस लेटाना बिछाना, ले लेड लेड। इन दोनों की जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म है उसको अच्छे से याद कर लेना, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आइए हमारे राइज पे। राइज रोज राइजन मींस उगना बढ़ना या तरक्की करना। फिर है रेज, रेज रेज्ड रेज्ड यानी मुद्दा उठाना। फिर है रेज, रेज रेज्ड रेज्ड, सेम है लेकिन तीनों के अर्थ डिफरेंट डिफरेंट हैं। नेक्स्ट देखिए रीड और स्टडी। कई लोग जो हैं वो रीड और स्टडी को एक ही समझ लेते हैं कि मैं तो रीडिंग कर रहा हूं। अरे आप रीडिंग नहीं कर रहे हो, आप तो स्टडी कर रहे हो। रीड तो हम न्यूज़पेपर या मैगजीन को करेंगे, मींस पढ़ना। रीड तो कोई भी कर सकता है, रीड तो अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर मॉमडैड सब कर सकते हैं, न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ना। हम तो क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। रीड होता है पढ़ना और स्टडी होता है अध्ययन करना। तो दोनों में, दोनों के डिफरेंस को समझें आप। नेक्स्ट है हियर और लिसन।
लिसन, हियर और लिसन दोनों बार सुनना। देखो हियर तो होता है कि नेचुरल तरीके से कोई चीज सुनना, जैसे मान लो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बाहर कोई आवाज हो रही है, पड़ोस में लड़ाई हो रही है, तो आपको वो नॉइज जो है वो अपने आप सुन जाएगी, वो तो होगा हियर। आप म्यूजिक सुनेंगे उसके लिए क्या करेंगे, लिसन टू म्यूजिक। नेक्स्ट है सी, वॉच और लुक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी देखना, वॉच देखना, लुक मीन्स भी देखना या दिखना। सी तो होता है नेचुरल तरीके से किसी चीज को देखना, वॉच होता है जानबूझ के, जैसे जैसे लिसन है वैसे ही वॉच है, जैसे हियर है वैसे ही सी है, जानबूझ के किसी चीज को देखना, मतलब वॉचिंग टीवी। लुक है दिखना या देखना। एग्जाम्पल देखिए, आई सो ए ब्यूटीफुल सीन, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो और आपको बहुत ही अच्छा नजारा दिख गया, तो वो नेचुरल तरीके से अपने आप दिखा है, तो यहाँ पे सी आ गया। आप फिल्म देख रहे हो तो किसका यूज करोगे, वॉच का, ही इज वॉचिंग फिल्म। नेक्स्ट है यू आर लुकिंग हैंडसम, तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, दिखना लुक, और लुक एट द कैमरा, कैमरे की तरफ देखो, देखना। ये थे हमारे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।